दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने सभी सम्मानित YouTube चैनल के सदस्यों को। बहुत बहुत वंदन और आभार आपके सहयोग से इतना काफ़ी बुलंदियों तक ये चैनल ग्रोथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी दर्शकों का। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि आज थाना रेवसा इलाके में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक करीब 35 वर्षीय महिला की सांसें थम गई। वहीं पर मायके के परिजनों की तहरीर पर थाना रेवसा प्रभारी के द्वारा PM कराया गया है शव का, और वहीं पर PM रिपोर्ट आने की बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। थाना प्रभारी मुकुल प्रकाश के द्वारा बताया गया। बताते चले कि थाना रेवसा के खरोलिया निवासी अनिल कुमार अपनी बहन बिटोली उम्र करीब 35 वर्षीय की शादी आज के कई वर्ष पहले जिला लखीमपुर के थाना फरदहा के गांव जगन्नाथपुर निवासी राघवेंद्र के पुत्र राजेश से की थी। वहीं पर अनिल कुमार मृतक बहन बिटोली के अनिल कुमार का आरोप है कि आज के करीब 4 माह पूर्व राजेश ने मारपीट कर और नाजुक हालत में मायके खुरवलिया छोड़ गया था। वहीं पर इस बाबत थाने में तहरीर भी उस वक्त देने की बात कही थी, और वहीं पर उसकी गंभीर पिटाई से और छोड़ जाने से इलाज करते रहे और आखिरकार उसकी सांसें थम गई। वहीं आरोप है अनिल कुमार का, मृतक बिटोली के बहन अनिल कुमार का, कि सास और पति पर आरोप लगाया है और जिम्मेदारी ठहरे। वहीं पर एक 1.5 साल का पुत्र भी होने की बात कही है और वो खुरलिया में है और जिसमें एक शव PM के लिए आया हुआ है और उसमें साथ में उनके साथी हैं। हम पूरी बात करते हैं घटना की। तब तक क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ रहते हो? खुरलिया। पिताजी का क्या नाम? बालक है। इसमें क्या है डाले में? हमारे भाई बहन है। क्या नाम है बहन का? बिटोली। बिटोली कै साल की है? 25 साल। कहाँ शादी हुई थी? जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर। यू कहाँ है? थाना कौन? लखीमपुर जिला लखीमपुर थाना फरदहान। फरदहान ठीक है। सनी बहरा कि कौन आदमी ब्याह रहा? राजेश। राजेश के लड़के। अच्छा, राजेश के लड़का का नाम रहा जी का ब्याह रहा? रघुवेंद्र। तो मौत कैसे हुई है? मौत उनका 4 महीना लगा है कि मारे ना इनका नक्की डाल के हैं कभी उठा के मारे लग बाद छोड़ गए हैं। कहाँ पर? यहाँ था खुरली है। अच्छा, छोड़ गया तुम लोग मारे उनका तब लोग छोड़ गए तो हम भी इलाज वाल करावे लगे नहीं और ना की मतलब खत्म तुम्हारे वहाँ हुई मायके में। तो तुम्हारा आरोप है क्या? जी आरोप है जी। किसके ऊपर? हम लोग खाना ना खाए पाए जी। किसके ऊपर आरोप है? मतलब सास ऊपर भी, सास मंजू देवी, मंजू देवी और राहुल देवी। मंजू किसकी पत्नी है? राजेश की जी। राजेश की। और किसके सास हो गई मंजू? हाँ जी। और पति कौन? रघुवेंद्र। रघुवेंद्र के पिताजी का? राजेश। ये कहाँ के निवासी हैं? जगन्नाथपुर जी। जगन्नाथपुर की। थाना? थाना फरदहान लखीमपुर। ठीक, वही PM कराए हो जी। अच्छा, इसके बच्चे उच्चे हैं? हाँ, ये बच्चा है जी। वो कहाँ है? घर पर है जी। तुम्हारे यहाँ? जी। क्या नाम है बच्चे का? नाम कै साल का है? 1.5 साल का है। अच्छा, ये इनको छोड़ कब गए थे? कितने महीने पहले? 4 महीना जी हो रहा है। 4 महीना पहले? तब आपने थाने में एप्लीकेशन दिया था? मारपीट के छोड़ गए थे? जी। अच्छा,